हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो मैं हूँ पायल और आप सबका स्वागत है पायल्स किचन में। तो आज मैंने बनाया है नींबू और मिर्च का अचार, जो कि है बनाने में बहुत ही इजी और खाने में बहुत ही स्वाद। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये रेसिपी मैं आप सबके साथ भी शेयर करूं। तो चलिए बिना किसी देरी के बनाते हैं आज नींबू और मिर्च का इंस्टेंट अचार। इसके लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं लगभग आधा किलो के करीब ये नींबू है। ये बड़े साइज के नींबू है। इन्हें मैंने धोकर कपड़े से सुखाकर रख लिया है, पानी की एक बूंद भी नहीं रहनी चाहिए। साथ ही मैंने लिए है लगभग 150 ग्राम के करीब हरी मिर्च। ये तीखी वाली मिर्च है, इसकी मैंने डंडी तोड़ ली है और इसको भी पानी से अच्छे से वॉश कर सुखा कर लिया है। साथ ही मैंने ली है हल्दी पाउडर 1 टीस्पून के करीब। 1 टीस्पून के करीब मैंने लिया है काला जीरा यानी कि कलौंजी। साथ मैंने ली है 2 टेबलस्पून के करीब लाल मिर्च पाउडर और ये नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे हमें लगेगा वैसे वैसे हम ऐड करेंगे नमक। तो सबसे पहले हम नींबू और मिर्च को कट करके रख लेते हैं। तो यहाँ देखिए नींबू को मैंने लगभग 1 नींबू के 4 हिस्से किए हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैंने नींबू के हिस्से कर लिए हैं 4। और इसी तरह अब मिर्च को भी हम काट लेंगे। मिर्च को सिर्फ हमें 2 टुकड़ों में काटना है क्योंकि ये छोटी छोटी मिर्चें हैं। तो 1 के मैंने 2 पीस किए हैं और बस मैंने सारी मिर्च कट कर ली है। आप मिर्च नहीं भी डाल सकते हैं और कम भी यूज़ कर सकते हैं हरी मिर्च, या सिर्फ नींबू का भी अचार बना सकते हैं। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं मसाले। तो यहाँ मैंने जो 1 टीस्पून के करीब हल्दी दी थी वो डाल रही हूँ। साथ ही मैं डाल रही हूँ कलौंजी। इसके बाद मैं डालूंगी इसके अंदर नमक, क्योंकि हम यहाँ कोई भी प्रिजर्वेटिव यूज नहीं करेंगे। तो जो हमारा नमक है वो ही प्रिजर्वेटिव का काम करेगा, इसलिए नमक की क्वांटिटी आप थोड़ा सा ज़्यादा रखें ताकि जो अचार है वो जल्दी ख़राब ना हो। उसके साथ ही मैंने ली है यहाँ पर 2 टेबलस्पून के करीब लाल मिर्च और बस अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो ये देखिए ये मैंने अच्छे से मिला लिया है इसे, बट ये अभी थोड़ा सा सूखा लग रहा है बिकॉज नमक थोड़ा सा मुझे कम लगा है। तो मैं थोड़ा सा नमक और ऐड कर रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि नमक की क्वांटिटी हमें इसलिए भी ज़्यादा रखनी है क्योंकि नमक अचार को ख़राब होने से बचाता है। तो ये देखिए ये मैंने मिला लिया है अच्छे से और मैं आपको दिखाती हूँ कि अभी ही कलर कितना अच्छा आया है, काफ़ी अच्छा टेक्सचर लग रहा है देखने में। अगर आपको अदरक पसंद है तो यहाँ आप इसमें अदरक भी काट के डाल सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, या अगर सिर्फ नींबू का बनाना चाहें तो नींबू का बनाएं। तो बस अब हमें क्या करना है, हमें इसको अच्छे से मिला लिया है हमने और अब मैं इसे ढक कर रखूँगी। ये अचार लगभग 2 दिनों में रेडी हो जाता है अगर आप जल्दी खाना चाहें तो। तो यहाँ मैंने एक प्लेट ली है, अब मैं इसे ढककर लगभग 1 दिन के लिए छोड़ दूंगी पूरे। तो ये देखिए 1 दिन पूरा हो चुका है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कलर, और मैंने बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया था और इसको ऐसे ही ढककर मैंने सिर्फ अपनी बैल्कनी में धूप के पास रख दिया था। और आप देख सकते हैं कि नमक ने पानी छोड़ दिया है और ये ऑलमोस्ट खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। अगर आप और ज़्यादा गला हुआ नींबू पसंद करते हैं तो इसे 3-4 दिन और धूप में रखें, लेकिन अब मैं इसे एक ग्लास जार में ट्रांसफ़र कर लूँगी ताकि जो धूप देना मेरे लिए आसान हो और कोई भी इम्प्योरिटीज़ इसके अंदर ना जा सके। तो यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा कलर आया है हमारे अचार में। तो चलिए अब हम इसे डाल लेते हैं एक कंटेनर के अंदर। तो यहाँ मैंने एक ग्लास जार लिया है, इस जार को मैंने बॉयल वाटर से धोया है और साथ ही इसे सुखा लिया है कपड़े की हेल्प से। और इसके अंदर हम डाल देंगे अचार, क्योंकि ये अचार ऑलमोस्ट हमारा काफ़ी दिनों के लिए मैं बना रही हूँ। तो इसके अंदर कोई भी
गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज अचार खराब हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, जब भी आप अचार डालें तो इसको इस तरीके से प्रेस कर दें ताकि इसके अंदर कोई भी हवा ना जाए और अचार जो है लॉन्ग लास्टिंग हो, इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाए। तो देखिए मैंने इसको पूरी तरीके से फिल कर दिया है और हमारा अचार बनकर बिल्कुल रेडी है। अगर आप चाहें तो अभी ही खाकर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं खाने में, बट इसे अगर और ज़्यादा अच्छा टेस्ट लाना चाहते हैं तो आप इसे 2-3 दिन धूप में और दिखा दें धूप को, और फिर इसे यूज़ करें रोटी पराठे पूड़ी खिचड़ी किसी के भी साथ। तो आज की हमारी रेसिपी बनकर रेडी है। आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन टेक केयर।